जब भारत माँ का हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा, तभी अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा। मैं बीजेपी वालों का भी मुख्यमंत्री हूं, मैं कांग्रेस वालों का भी मुख्यमंत्री हूं, मैं दूसरी पार्टी वालों का भी मुख्यमंत्री हूं। मैं अब क्या अपने बच्चों से, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से फीस लेना शुरू कर दूं? लानत है ऐसे सीएम के ऊपर। मैं अपने अस्पतालों में इलाज कराने वाले लोगों से दवाइयों के पैसे लेने शुरू कर दूं? मैं अपने अस्पतालों में आने वाले मरीजों से ऑपरेशन के पैसे लेने शुरू कर दूं, टेस्टों के पैसे लेने शुरू कर दूं? लानत है मेरी जिंदगी के ऊपर अगर मैं ऐसा करता हूं तो। सब लोग अपने अपने गांव में फोन करके बोल देना, हमारा बेटा सीएम बन गया दोबारा, अब चिंता की कोई बात नहीं है। भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे। मेरे प्यारे दिल्ली वासियों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज आपके बेटे ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ये मेरी जीत नहीं है, ये आप लोगों की जीत है, ये एक एक दिल्ली वाले की जीत है, ये एक एक माँ की जीत है, एक एक बहन की जीत है, एक एक युवा की जीत है, ये एक एक विद्यार्थी की जीत है, स्टूडेंट्स की जीत है, ये हर दिल्ली वाले की, एक एक परिवार की जीत है। पिछले 5 सालों में हमारी यही कोशिश रही है कि किस तरह से हम लोग एक एक दिल्ली वाले के, दिल्ली के एक एक परिवार की जिंदगी में खुशहाली ला सकें, एक एक दिल्ली वाले की जिंदगी में थोड़ी सी राहत ला सकें। पिछले 5 साल में हम लोगों की यही कोशिश रही है कि किस तरह से दिल्ली का खूब तेजी से के साथ विकास हो। और दोस्तों, अगले 5 साल भी, आगे भी हमारी यही कोशिश जारी रहेगी। सब लोग अपने अपने गांव में फोन करके बोल देना, हमारा बेटा सीएम बन गया दोबारा, अब चिंता की कोई बात नहीं है। आज जब मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, आज से मैं सबका मुख्यमंत्री हूं। मैं आम आदमी पार्टी वालों का भी मुख्यमंत्री हूं, मैं बीजेपी वालों का भी मुख्यमंत्री हूं, मैं कांग्रेस वालों का भी मुख्यमंत्री हूं, मैं दूसरी पार्टी वालों का भी मुख्यमंत्री हूं। पिछले 5 साल जब मैंने काम किया, मैंने कभी किसी के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया, मैंने कभी किसी का ये कह के काम नहीं रोका कि तुम बीजेपी वाले हो, तुमने मेरे को वोट नहीं दिया था इसलिए मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। मेरे पास कोई बीजेपी वाला आया या कांग्रेस वाला आया या दूसरी पार्टी वाला आया, मैंने सबके काम करे। मेरे को पता चला ये मोहल्ला बीजेपी का है, मैंने वहां भी गलियां बनवाई, वहां भी पानी की पाइपलाइन डलवाई, सबके लिए काम करा मैंने। और आने वाले 5 साल के अंदर भी, आज मैं अपने सारे दिल्ली के 2 करोड़ दिल्ली वासियों को, अपने दिल्ली के 2 करोड़ दिल्ली परिवार को,
ये कहना चाहता हूँ, चुनाव खत्म हो गया, आपने जिसको भी वोट दिया, अब आप सारे जने, आप सारे दिल्ली के 2 करोड़ लोग मेरा परिवार हो। आप चाहे किसी भी पार्टी के हो, आप मेरे परिवार का हिस्सा हो। कभी भी कुछ भी काम हो, बिना हिचक मेरे पास आ जाना, सबका काम करूंगा, चाहे कोई किसी पार्टी का हो, चाहे कोई किसी धर्म का हो, चाहे कोई किसी जात का हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो। और अपने को दिल्ली के लिए अभी बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, बहुत बड़े बड़े काम करने हैं दिल्ली के लिए, मैं अकेला नहीं कर सकता। आप 2 करोड़ लोगों के साथ मिलके हम लोग दिल्ली को अच्छी बनाएंगे, खूबसूरत बनाएंगे। मैं सबके साथ मिलके काम करना चाहता हूं। चुनाव खत्म हो गए, चुनाव में खूब राजनीति होती है, हुई राजनीति, किसी ने किसी को कुछ कहा, किसी ने किसी को कुछ कहा। हमारे विरोधियों ने हमको जो कुछ बोला, हमने उनको माफ कर दिया। आज मैं उनसे भी निवेदन करता हूं, अपने विरोधी पक्ष वालों से भी निवेदन करता हूं कि जो कुछ राजनीतिक उठापटक हुई चुनाव में, सारी भूल जाओ। अब मैं सारी पार्टियों के साथ मिलके दिल्ली का विकास करना चाहता हूं। आप लोगों ने दिल्ली देश के अंदर इस चुनाव में एक नई राजनीति को जन्म दिया है, एक नई राजनीति इस देश के अंदर पैदा हुई है, काम की राजनीति, स्कूल की राजनीति, अस्पताल की राजनीति, 24 घंटे बिजली की राजनीति, सस्ती बिजली की राजनीति, पानी की राजनीति, अच्छी सड़कों की राजनीति, महिलाओं की सुरक्षा की राजनीति, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की राजनीति, 21वीं सदी के भारत की राजनीति, एक नई किस्म की राजनीति दिल्ली के लोगों ने देश के अंदर शुरू की है। यह राजनीति क्या है, मैं चंद पंक्तियों से इसको समझाना चाहूंगा। जब भारत मां का हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा, तभी अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा। जब भारत के हर बंदे को अच्छा इलाज मिल पाएगा, तभी अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा। जब सुरक्षा और सम्मान महिलाओं में आत्मविश्वास जगाएगा, जब हर नौजवान के माथे से बेरोजगार का तमगा हट जाएगा, तभी अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा। जब हर भारतवासी जीवन की मूलभूत सुविधाएं पाएगा, जब धर्म जाति से ऊपर उठकर हर भारतवासी केवल भारत को आगे बढ़ाएगा, तभी अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा। दोस्तों, ये है नई राजनीति, और नई राजनीति का डंका पूरे देश में बजने लग गया है। जगह जगह से खबर आ रही है, फलानी सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक बनाने शुरू कर दिए, फलानी सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक बनाने शुरू कर दिए। देश भर से खबर आ रही है, इस सरकार ने 100 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी, उस सरकार ने 75 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी, उस सरकार ने 200 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी। दिल्ली वालों, आपने कमाल तो कर दिया।
पूरी दिल्ली के अंदर डंका बज रहा है आप लोगों का, पूरे देश के अंदर डंका बज रहा है आप लोगों का। अब देश में अगर कोई नेता कहता है सरकारी स्कूल ठीक नहीं हो सकते, तो वहां के लोग कहते हैं दिल्ली की तरफ देखो। पूरे देश में कोई नेता कहता है सरकारी अस्पताल ठीक नहीं हो सकते, तो वहां के लोग कहते हैं दिल्ली की तरफ देखो। कोई नेता कहता है 24 घंटे बिजली नहीं आ सकती, तो वहां के लोग कहते हैं दिल्ली की तरफ देखो। दिल्ली के लोगों ने देश की राजनीति बदल के छोड़ दी है। दोस्तों, आज मुझे बेहद खुशी है कि आज हमारे साथ इस मंच पे हमारे चीफ गेस्ट दिल्ली के निर्माता दोनों तरफ मेरे मौजूद हैं। कौन है ये निर्माता? दिल्ली को कौन चलाता है? दिल्ली को केजरीवाल नहीं चलाता, दिल्ली को कोई नेता नहीं चलाता, दिल्ली को कोई पार्टी नहीं चलाती, दिल्ली को कोई बड़े बड़े लोग नहीं चलाते। दिल्ली को कौन चलाता है? दिल्ली को दिल्ली के टीचर्स चलाते हैं, दिल्ली को दिल्ली के डॉक्टर चलाते हैं, दिल्ली को दिल्ली के ऑटो वाले चलाते हैं, दिल्ली को दिल्ली के रिक्शे वाले चलाते हैं, दिल्ली को दिल्ली के स्टूडेंट्स चलाते हैं, दिल्ली को बस ड्राइवर चलाते हैं, कंडक्टर चलाते हैं, रेड़ी वाले चलाते हैं, व्यापारी चलाते हैं, फैक्ट्री वाले चलाते हैं, जो लोगों को रोजगार देते हैं। आज मुझे बेहद खुशी है, हमारे साथ विजय कुमार एक बच्चा मौजूद है, IIT में पढ़ता है, ये IIT से निकल के देश की सेवा करेगा। ऐसे युवाओं के ऊपर हमारे देश का भविष्य निर्भर करता है। कुछ लोग कहते हैं कि केजरीवाल सब कुछ फ्री करता जा रहा है, केजरीवाल सब कुछ फ्री करता जा रहा है। दोस्तों, इस दुनिया के अंदर जितनी भी अनमोल चीजें हैं भगवान ने सारी फ्री बनाई हैं। मां जब अपने बच्चे को प्यार करती है तो वो प्यार फ्री होता है। बाप जब अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं खाता तो उस बाप की तपस्या फ्री होती है। श्रवण कुमार जब अपने मां बाप को तीर्थ यात्रा पे लेके गया था और श्रवण कुमार जी की मौत हो गई, श्रवण कुमार की सेवा भी फ्री सेवा थी। केजरीवाल अपने दिल्ली वालों को प्यार करता है, दिल्ली वाले अपने केजरीवाल को प्यार करते हैं। ये प्यार भी फ्री प्यार है दोस्तों, इसकी कोई कीमत नहीं। मैं ये सोच रहा था मैं अब क्या अपने बच्चों से, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से फीस लेना शुरू कर दूं? लानत है ऐसे CM के ऊपर। मैं अपने अस्पतालों में इलाज कराने वाले लोगों से दवाइयों के पैसे लेने शुरू कर दूं? मैं अपने अस्पतालों में आने वाले मरीजों से ऑपरेशन के पैसे लेने शुरू कर दूं, टेस्टों के पैसे लेने शुरू कर दूं? लानत है मेरी जिंदगी के ऊपर अगर मैं ऐसा करता हूं तो। दोस्तों, मेरा एक सपना है और मैं समझता हूं देश के हर आदमी का वो सपना है, हर भारतवासी का वो सपना है। हम चाहते हैं एक ऐसा टाइम आए, और आएगा, जरूर आएगा, आने वाला भविष्य दुनिया के अंदर भारत का भविष्य होने वाला है। ऐसा समय आएगा जब पूरी दुनिया के अंदर भारत का डंका बजेगा, लंदन के अंदर भी भारत का डंका बजेगा, टोक्यो के अंदर भी भारत का डंका बजेगा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी भारत का डंका बजेगा, अफ्रीका के अंदर भी भारत का डंका बजेगा, अमेरिका के अंदर भी भारत का डंका बजेगा। और दोस्तों, वो संभव इस नई राजनीति से होगा, जिस राजनीति की शुरुआत आप लोगों ने इस चुनाव से की है। दोस्तों, मैं एक अंत में गीत गाऊंगा
और मैं चाहता हूं आप सब लोग जानते हैं उस गाने को, बचपन से हमें सिखाया गया है, लेकिन एक शर्त है, मैं एक एक लाइन बोलूंगा, आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, बोलेंगे जोर से, बोलेंगे पूरे दिल से, बोलेंगे। ये हम सब के सपने को पूरा करने की एक प्रार्थना है। हम होंगे कामयाब, जोर से दिल से, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का आज एक दिन। भारत माता की, इंकलाब वंदे। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब, एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।